ईरान में तो लोग जनरली इसको लैंड क्रूजर ही बोल रहे थे थोड़े से चेंजेस अंदर करवा रखे हमने क्या? ट्रिप से रिलेटेड लेंड? थाई लेंड? थाई लेंड? इसके लिए तो ट्रिप नहीं लिए नहीं नहीं एक है रीजन वो भी बट मेन तो ऑस्ट्रेलिया ही रीजन वो भी काफी लोगों को ये बात हजम होगी ये हमने पूरा ना बॉक्सेस बनवा दी है कैसे हो आप लोग आज हमारे साथ में है इंडिया की सबसे फेमस स्कॉर्पियोन अगर मैं इसको सबसे फेमस कहूंगी तो गलत नहीं होगा वैसे तो आज के टाइम में ना इंडिया में दुनिया जान की स्कॉर्पियन हो चुकी है लेकिन ये अपने आप में बहुत ज्यादा फेमस है वैसे तो गाड़ी देख के आप पहचान गएगे फिर भी ये फेमस इसलिए है क्योंकि ये इंडिया टू लंडन गई थी वो भी बाय रोड अब ये बातें सुन के आपको समझ आ गया होगा कि ये किसकी गाड़ी है तो अनमोल प्लीज फ्रेम में आ जाइए हेलो जी हेलो वेलकम टू आवर चैनल एक you. बहुत ही सक्सेसफुल जर्नी ट्रेवल करने के लिए बहुत बहुत मच तो क्योंकि आप इंडिया टू लंदन जा चुके हो इसमें हाँ। तो हम थोड़ी उसके बारे में बातें कर लेते हैं सबसे पहले तो यार आप अपनी ना पूरी जर्नी एक्सप्लेन करो यार्पियो के टर्म्स में कि कैसा रहा इसका एक्सपीरियंस परफॉर्मेंस कैसी रही क्या अच्छा लगी क्या बुराइयाँ लगी कुछ कमियाँ लगी जो कुछ भी था ना इसको ध्यान में रखते हुए सब कुछ बता दो कमियाँ तो पहले बता दो एक दो ही थी वो एंड में बात करेंगे बाकी ट्रिप में ना गाड़ी ने पूरा सपोर्ट किया मुझे तो भरोसा था निकलने से पहले कि कोई दिक्कत नहीं आएगी अपना इंडियन ब्रांड है और गाड़ी भी इतनी तगड़ी निकाली है बट लोगों का रिएक्शन ये था कि क्यों ले जा रहे हो महिंद्रा वहाँ पे ना सर्विस सेंटर मिलेगा ना सपोर्ट मिलेगा बट हमारा ये था कि हम सारे स्पेयर पार्ट्स यहाँ से लेकर जाएंगे अगर वहाँ पे कुछ भी दिक्कत आती है तो वहीं से सर्विस हो जाएगी तो जो हमारी नमस्ते लंदन रोड ट्रिप थी उसमें हाँ। हमने थर्टी कंट्रीज कवर करी थी इस गाड़ी से बाय रोड पूरी और अराउंड अराउंड इक्कीस हजार सौ किलोमीटर ये गाड़ी चली, चली थी एक सौ सत्रह दिनों के लिए जिसमें से हमने यहाँ से रूट शुरू किया था इंडिया से पूरी थी गाड़ी ईरान ईरान से फिर हमारी रोड ट्रिप शुरू हुई थी ईरान पूरा टर्की पूरा फिर यूरोप में हमने लगभग 24 कंट्रीज कवर करी उसके बाद हम यूके गए वहाँ पे जितने भी पार्ट्स थे उनके वो कवर करे स्कॉटलैंड गई गाड़ी आयरलैंड गई नॉर्दर्न आयरलैंड गई तो ये पूरा ट्रिप करके एंड हमने किया था लंडन में और लंडन से ये गाड़ी शिप होके जस्ट अभी पाँच छह दिन पहले ही वापस आई है देखा जाए तो कोई इतनी लंबी जर्नी ट्रेवल करते टाइम ना सोचता है कि हम इस तरह की गाड़ी सेलेक्ट करें जो बहुत रिलायबल हो टोयोटा वगैरह की गाड़ी पे ऑफ कोर्स शिफ्ट करता है यार आपके बैक ऑफ माइंड ये चीज नहीं आई कि क्या मैं सही कर रहा हूँ मुझे ये ये चूज करनी चाहिए क्योंकि इंडियन ब्रांड है है हालांकि खुद को प्रूव ऑलरेडी कर चुकी है, बट स्टिल यार आप बहुत लंबी जर्नी पे जा रहे हो इंडिया में भी नहीं हो इंडिया से बाहर जा रहे हो कल को कुछ भी प्रॉब्लम हुई कोई भी स्पेयर पार्ट की रिक्वायरमेंट हुई कुछ भी दिक्कत होती है तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता था तो दिमाग में वो चीज नहीं आई कि मैं कर लू या रहने लू नहीं ये चीज थी दिमाग में मुझे इतना कुछ खास डर था नहीं और फॉर्चूनर की बात करें तो पर्सनली मुझे फॉर्चुनर इतनी पसंद नहीं है लॉन्ग ड्राइव के मामले में क्योंकि फटीक फील होता है बहुत उसका कैबिन भी जो है ना वो थोड़ा सा छोटा लगता है तो काफ़ी लोगों को ये बात हजम होगी नहीं बट ठीक है जो भी है उस टाइम पे मेरा बजट भी यही था कि सत्ताईस अट्ठाईस लाख के आसपास गाड़ी लेनी है और स्कॉर्पियो जस्ट लॉन्च ही हुई थी कुछ महीने पहले ही तो मुझे ये फेबर में मिली और मार्च अप्रैल में मैं निकल गया था इसे लेके तो ओवरऑल तो यही था भरोसा कि सर्विस के लिए स्पेयर पार्ट्स लेकर जाएंगे क्योंकि वो तो मिलने ही नहीं थे of वहाँ course, पे जैसे एयर no, फिल्टर so हो गया possible, ये सब हो गया इंजन ऑयल मिल गया था वो हर देश में मिल जाता है हाँ। डी हर देश में मिल जाता है बाकी स्पेयर पार्ट्स मैंने कैरी करे थे यूरोप में जाके मैंने इसकी सर्विस करवाई थी एक अराउंड दस हजार का वहां खर्चा आया था लेबर प्लस इंजन ऑयल का और पार्ट्स हमारे यूज हुए थे बाकी अगर जैसे आपने कहा कि अगर कुछ मेजर दिक्कत आ जाती है जैसे हमारा ईरान में जो है वो अनप्रिडिक्टेबल भी होती हाँ, है और sure. हुआ भी था हमारे साथ ईरान में हमारा एक्सीडेंट हुआ था हाँ. जो प्रॉपर लोहे वाला टंपू होता है ना उसने पीछे से आके मार दी थी तो महिंद्रा की बिल्ड क्वालिटी इतनी सही लगी मुझे कि उसका बम्पर उखड़ गया लोहे का पूरा बट अपनी डिक्की में एक डेंट और छोटा सा छेद आया, बट कुछ भी नहीं आई तो पूरी ट्रिप में दिक्कत नहीं हुई थी कुछ भी हमें। तो यहाँ पर खर्चा लगता बट डीएम महिंद्रा ने गुडविल में हमारा पूरा बॉडी वर्क काम किया गुडविल जब ऐसे बाहर बड़ी बड़ी ट्रिप्स आप कराते हो ना तो गुडविल हो जाती है क्या निकाल के दी एवरेज देखो ईरान में डीजल की क्वालिटी बहुत बेकार थी प्लस प्राइस पांच रुपए लीटर था तो आप समझ लो जो ईरान में तीन हजार किलोमीटर चली है वो हमारी फ्री में ही चली है ठीक है? है तो वो हम काउंट करें ना करें अलग बात है।, है। <laughs> बट वैसे उसके बाद से जितने देश थे सब में डीजल बहुत महंगा था टर्की में अराउंड सौ रुपए के आसपास था यूरोप में कुछ कुछ जगहों पे दो सौ बीस रूपये लीटर भी मिला है यूके में भी दो सौ के आसपास था तो हमारी जो खर्चा था डीजल डीजल का वो तीन लाख प्लस का आया था और एवरेज इसने एवरेज जो है टोटल पूरी ट्रिप की देखे तो साढ़े ग्यारह की निकाली है ये मेरी जेड डीजल ऑटोमेटिक फोर बाय वाला वेरियंट है

फ्लाइट वापिस की सब कुछ इंक्लूडेड है ए टू जेड सब कुछ 120 दिनों के लिए पूरा यार हिम्मत मानती हूँ जिगरा नहीं है मैं <laughs> अपना है यार, मजा आ, बहुत तगड़े एक्सपीरियंस अच्छा दूसरी चीज ये अब हम उसके बारे में बात कर लेते हैं जिस ट्रिप के लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं तो आप अपने मुँह से बता दो की अब आप कहाँ जा रहे हैं तो हमारी ये जो पूरी ट्रिप है ना ये शुरू से रही है नमस्ते आगे जो भी कंट्री का हमारा सीरीज। हाँ, नमस्ते सीरीज कह सकते हो तो पहले थी नमस्ते लंडन अब है नमस्ते ऑस्ट्रेलिया आ जाओ और इस मैप के थ्रू एक्सप्लेन कर दो बेटर आइडिया मिल जाएगा तो अभी फिलहाल हम इस टाइम पे यहाँ पर है गुड़गांव में दिल्ली से ये ट्रिप शुरू होगी को इसी मतलब 22-23 तारीख के आसपास और हम जाएंगे यहाँ से नेपाल की कैपिटल काठमांडू ओके okay, तो जो यहाँ पे चाइना का वीजा है ना वो टूरिस्ट वीजा तो इंडिया से मिल जाता है हाँ। बट जो हमें परमिशन चाहिए तिब्बत से होते हुए वो सिर्फ नेपाल में ही मिलती है काठमांडू में ओके okay, तो, तो यहाँ पे जाके आप हाँ, पांच से छह दिन सारा डॉक्यूमेंट हो चुके हैं बस पांच से छह दिन वहाँ पे अपनी फोटो पासपोर्ट सबमिट करना है वो मिल जाएगा हमें वीजा ओके हम नेपाल घूमेंगे नेपाल के बाद हम सीधा चाइना एंटर करेंगे तिब्बत होते हुए ठीक है जिसमें हमारा माउंट एवरेस्ट का जो बेस कैंप है वहां तक भी स्कॉर्पियो जाएगी अपनी ओके तो यूट्यूब पे तो वैसे अभी तक कोई गाड़ी गई नहीं है वहाँ पे और स्कॉर्पियन तो वैसे ही नहीं है। गई अभी तक तो उसको हमें वहाँ पे ले जाना है फिर हम पूरा चाइना कवर करते हुए बीजिंग तक जाएंगे वहाँ की कैपिटल चाइना की ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के okay, okay. पास भी जाएंगे uh -huh. फिर वहाँ से हम रूट अपना नीचे रहेंगे लाओस की तरफ okay. एक चीज क्लियर कर दू जो एक्चुअल बाउंड्रीज है ना बाउंड्रीज तो हमने वो रखी है बट जगह कम होने की वजह से थोड़ा सा श्रिंक कर दिया है कंट्री को तो कंट्री सारी यही है बट हो सकता है कोई थोड़ी ऊपर तो सारी है ना वर्क्स बता दो आगे तो चाइना से हम एंटर कर रहे हैं लाओस ओके लाओस में छह सात दिन ड्राइव करके हम जाएंगे वियतनाम वियतनाम से कम्बोडिया कम्बोडिया से थाईलैंड थाईलैंड इसके लिए तो ट्रिप नहीं नहीं एक है रीजन वो भी बट मेन तो ऑस्ट्रेलिया ही रीजन वो भी फिर हम थाईलैंड से एंटर करेंगे म्यांमार अच्छा काफी लोग कहेंगे की आप इंडिया से डायरेक्ट म्यांमार जा सकते थे बट एक्चुअल में म्यांमार पिछले

ओके okay. तो गाड़ी भी फेरी में जाएगी हम भी फेरी कितने में जाएंगे टाइम की है ये तो चार पांच घंटे की होगी अच्छा छोटी सी फेरी तो है है ठीक फिर उसके बाद इंडोनेशिया से जो है हमारी गाड़ी शिप होगी ऑस्ट्रेलिया ये 20 से 25 दिन का प्रोसेस है okay. तो यहाँ से जो टाइम लगेगा तो हमने जो है मोटा मोटा सिंगापुर तक 20,000 किलोमीटर चलानी है जिसमें से 10,000 तो चाइना चाइना में चाइना तक ओके और फिर उसके बाद हम पूरी ऑस्ट्रेलिया की रोड ट्रिप करेंगे जहाँ पे हमें पर्थ में गाड़ी मिलेगी और ये कोस्टल एरिया पूरा चलाते हुए गाड़ी चलाते हुए सिडनी मेलबोर्न वगैरह करते हुए सिडनी एंड पॉइंट है हमारा Okay. तो ये लगभग लगभग से सात हजार किलोमीटर ऑस्ट्रेलिया तो टोटल अट्ठाईस हजार चलाने वाले हम गाड़ी को okay. जिसमें एंड डेस्टिनेशन सिडनी में, में होगी सिंगापुर तक लगभग साढ़े तीन महीने फिर बीस दिन शिपिंग का और हुँ. दो महीने ऑस्ट्रेलिया तो लगभग okay. आप लगा लो छ महीने का ये ट्रिप है ये पूरा मोटा मोटा ये जो मैप है जब आप लंदन गए थे तो आपने बोला था कि मैं लाइफ टाइम वो लंदन वाला मैप रखना चाहता हूँ हालांकि अच्छी चीज है कि आप एक और ट्रिप के लिए उसको चेंज कर रहे हो बट चेंज तो आपको करना पड़ गया ना। हम मेरा एम है इससे ना दो लाख किलोमीटर चलाना है मुझे इस गाड़ी गाड़ी को और जितनी कंट्रीज में गाड़ी जा सकती है अराउंड एट्टी नाइनटी कंट्रीज उसमें सब में लेकर जाना है तो जब ये सारी कंट्रीज कवर हो जाएगी ना एंड में एक मैं रैप बनवाऊंगा फाइनल जिसमें हम पूरी ही जर्नी को कवर करेंगे इतना बड़ा होगा इतनी बड़ी दीवार पूरी आ जाएगी नहीं हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा कम कर कंप्रेस करके कर हाँ बट आ जाएगा अच्छे से यार मतलब आप पहले एक जर्नी पे इसको ले गए इस बार आपको ये इतनी रिलायबल लग गई है मतलब इतनी रिलायबल आपको ये गाड़ी लगी कि आप फिर से इसको जर्नी पे इतनी लंबी ले जा रहे हो देखो ऐसा होता है गाड़ियों हो का ना ये है कि कोई भी ब्रांड या फिर कोई भी मॉडल ना रिलायबल अनरिलायबल नहीं होता पीस टू पीस डिपेंड करता है of जैसे एमजी की बात करोगे तो कईयों की गाड़ियों में आग भी लगी थी शुरू में एक्टर में बट अभी ऐसी गाड़ियां भी है जो लाख किलोमीटर चल चुकी है ऑलरेडी तो हमारा वाला पीस टचवुड अभी तक तो तो अच्छा है भाई नहीं क्योंकि पास ऑडी भी भी थी आप चाहते तो हाँ। वो ले ले जा जा सकते सकते थे बट मुझे अपना इंडियन ब्रांड ही ले जाना था प्लस अब इसको लंडन तक ले गया तो इसी को ही कंटिन्यू रखना यार आई एम वेरी हैप्पी की मतलब एक इंडियन ब्रांड है इतना अच्छे तरीके से खुद को प्रूफ कर रहा है तो मुझे सच में दिल से खुशी है बट पूछना मेरा फर्ज है की आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या है जिस

मतलब इतनी बड़ी गाड़ी फोर बाय फोर प्रोपर ऑफ रोडिंग व्हीकल अंदर से भी अच्छा खासा लग्जरी फील होती है पूरी उनको ये था कि हम इम्पोर्ट करवाएंगे बाहर से बट में मैंने इंटरनेशनल मार्केट में देखे हैं कुछ कुछ लोगों के रिव्यू इसको लेके ना लो लोग बड़े बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया में में मैंने पाकिस्तान देखे थे वो तो बिल्कुल सुन हो गए दाम सुन के ये हो कैसे सकता है भाई वहाँ पे तो टैक्सेज इतने ज्यादा है की फॉर्चुनर इतनी महंगी है ये गाड़ी के तो दाम सुन के भाई ऐसा कैसे हो सकता है जैसे नेपाल देखोगे नेपाल में ये उनकी करेंसी में लगभग वन करोड़ की पड़ती है एग्जैक्टली exactly. तो उसी हिसाब से फर्क पड़ता है अच्छा आपने जैसे ये चेंज करवाई है तो उसमें क्या चेंज हुआ देखो मेन हमारा ना यहाँ पे इम्पैक्ट हुआ था और यहाँ पे तो ये टेल लाइट टूटी थी ये जो रियर स्केट प्लेट है ये टूटी थी यहाँ पे डेंट पड़ा था तो ये डिक्की और यहाँ पे ये प्लास्टिक पुराना ही है शीशा पुराना यूज करें बाकी ऑलमोस्ट समझ लो आपने सारा ही चेंज किया ये वाला पार्ट पार्टी पूरी डिक्की चेंज हुई है ये चेंज हुआ है ये चेंज हुआ है ये चेंज हुआ है ओके okay. यार ये कोड किस चीज का है तो ये इस बार मैंने थोड़ा सा नया करवाया कोई भी रस्ते में इसे स्कैन करेगा ना तो एक पेज खुल जाएगा okay. उसमें मेरी सारी प्रोफाइल आ जाएगी की 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 तो वैसे तो जो पूरी सीरीज है वो इंडियन बैक पैर चैनल पे आएगी बट रस्ते में लोगों को पता नहीं होता तो इसलिए स्कैनर लगा दिया सबसे सही है यार बहुत बढ़िया यार अभी जैसे आप एक बहुत ही लंबी जर्नी पे जा रहे हो तो इसमें आपने क्या क्या चेंजेस करवाए उसके हिसाब से की आपके लिए सूटेबल रहे तो, सबसे बता दो। तो मैंने जैसे कि बताया टॉप मॉडल है ये तो ज्यादा कुछ करवाने की जरूरत पड़ी नहीं है, है। मेन तो है ऊपर एक मैंने ये रूफ कैरियर लगवाया है जिसमें हमारा है। सैंड जेरी कैन आ गया क्योंकि ईरान में हमें डीजल की दिक्कत होनी थी मुझे पता था और चाइना में भी तिब्बत वाले रीजन में दिक्कत होगी तो ये बीस लीटर का जेरी कैन है इसको हम एक्स्ट्रा फिल करवा के रखेंगे बहुत बढ़िया है बस बस इसलिए दूसरी चीज अपना फ्रंट में मेन है अपनी एक तो इसके टायर चेंज करवाए हुए है okay, ओल्ड टायर लगवा लिया है अठारह इंची व्हील्स कंपनी के स्टॉक है बस कलर करवा रखा उसको। है उसको बट टायर प्रोफाइल हमने चेंज करवा दी है ताकि ये जिस भी ओवरलोडिंग करनी हो हाँ। कुछ करना हो सब हो मेन है जो जेड एटेल की लाइट्स है ना वो इतनी खास हाँ, नहीं है ठीक ठीक है बहुत मतलब दिक्कत होती है और आफ्टर मार्केट भी ना इसमें चेंज करने का कोई जुगाड़ exactly. नहीं है क्योंकि अंदर से पैक है पूरी की मैं पूरी। मैं आपको बिल्कुल समझ पा रही हाँ। तो जो लोग वाले उनके लिए तो बढ़िया है वो लगवा सकते हैं अजूम वगैरह की बट हम नहीं लगवा सकते तो इसलिए मैंने यहाँ पे ना अजूम की फाइव एलईडी वाली ओक्री लाइट का एक पेयर लगवाया अब ये लाइट इतनी पावरफुल है कि अगर इसका आप लो बीम भी मारोगे ना तो ये रात में दिन कर देती है ठीक है बहुत अच्छा है काफी कन्वीनियंट हो जाता है यार आपको पता भी नहीं आप किस हाँ, किस तरीके की जगह से जाने वाले हो कितना होगा कितना नहीं होगा वैसे तो हम नाइट ड्राइविंग अवॉइड ही करते हैं बट, बट कभी, कभी कभी हो जाता, हो हो हाँ, जाता हाँ, है हाँ, तो फिर बंदा सोचता है चल यार लाइट तो तो अच्छी होनी चाहिए वो एक मैंडेटरी चीज है इसके अलावा अंडरबॉडी पूरी प्रोटेक्शन है इसकी मेटल की कहीं पे भी कुछ भी रेडिएटर पे दिक्कत ना है और थोड़े से चेंजेस अंदर करवा रखे हमने ट्रिप से रिलेटेड अभी इस ट्रिप पे हम दो ही लोग जा रहे हैं तो एक मैं चलाऊंगा गाड़ी एक मेरा कैमरा साथ में होगा तो पीछे की सीट ऑलमोस्ट खाली रहेगी तो okay. हमने यहाँ पे अभी थोड़ा सामान है इसको इग्नोर मारना है ये हमने पूरा ना बोक्सेज बनवा दिया है okay. जिसके अंदर स्टोरेज है ये खुल जाता है तो टूल किट वगैरह आ गई सारी और इसके ऊपर एक कस्टमाइज गद्दा बनवा दिया तो हो अब गद्दा गस्ते में कहीं भी रुकना हो सोना हो इसी पे सो जाओ अपना आराम से कोई दिक्कत ही नहीं तो ये स्टोरेज का भी काम करता है प्लस लेटने में भी कोई स्पेस ऐसी सेम डिक्की में मॉडिफिकेशन करवा रखी है इस तरह का पूरा स्टोरेज यूनिट है इसको आप खोलोगे तो इसमें हमारे काफी जो भी बर्तन वर्तन मसाले रखने होते हैं चावल है, सही रखने सही होते हैं है, हो वो सब और एक स्टोरेज कंपार्टमेंट ये है इसमें भी सारे स्पेयर पार्ट्स आ जाते हैं खुल के सही है। बाकी ये जो आप डब्बा देख रहे हो इस बार सर्विस के लिए हम ले जा रहे हैं स्पेयर पार्ट एयर फिल्टर वगैरह ए फिल्टर तो ये वहाँ यूज होंगे सारे के सारे अच्छा एक चीज और जैसे सर्विस तो आपको थोड़े टाइम में करवानी पड़ेगी तो नेक्स्ट सर्विस कहाँ पे करवाओगे अभी हम बीस किलोमीटर वाली सर्विस करवा के जा रहे हैं गाड़ी में इस वक्त साढ़े किलोमीटर हो रखे है तो अब हमें दस के बाद करवानी

फिर कैसे करो इस बार जेब से लगाना पड़ेगा बस अच्छा पिछली बार तो स्पॉन्सर भी ज्यादा थे इस बार स्पॉन्सर भी इतने नहीं है क्योंकि गाड़ी आनी थी पिछले महीने वापस हाँ। बट आई है इस महीने तो मेरे पास पांच छह दिन का ही टाइम था तो इतना पिच भी नहीं कर पाए और फिर अपनी जेब से ही लगाना पड़ेगा तो थोड़ा और गैप ले लेते यार वो ये ना चाइना में बर्फ ज्यादा पड़नी शुरू हाँ हो जाएगी तो वहाँ से हमारे लिए रिस्की हो जाएगा इसलिए जितना जल्दी एंटर करके निकल जाओ तो बेटर है वो चीज अब बर्फ की बात कर ही है तो आपको एक एक्सट्रीम कंडीशन भी मिलेंगे तो उसके लिए आपने क्या निकाला कुछ स्नो चेन वगैरह कैरी किया है क्या किया है तो पहली बात तो इसका जो फोर बाई है वो इतना कैपेबल है की

सब चीजें खुद के साथ में होना तो बंदा एक मौके पे सोचता नहीं है कि हाँ मुझे कहीं रुकना पड़ेगा हुँ, हुँ, हुँ. अच्छा हम लोग कॉस्ट की बात कर रहे थे तो इस पूरी ट्रिप का एक आइडिया आपने हुँ. निकाला हालांकि आपके पास पिछली बार आपके फ्रेंड साथ में थे हुँ. इस बार देखो आपके पास दो एक दो दो बातें हैं हुँ. पहली चीज तो ये कि आप पहले एक्सपीरियंस कर चुके हो तो आप कुछ जगहों से पैसे बचा भी सकते हो बिल्कुल और दूसरी चीज ये कि पिछली बार आपका खर्चा आधा आधा हो गया था लेकिन इस बार अब लगेगा ये आपका लगे, पूरा और उल्टा तो, ज्यादा लगेगा ज्यादा लगेगा।, लगेगा तो हाँ। आपको क्या लगता है उस हिसाब से आपने कुछ आइडिया निकाला कितनी कॉस्ट रहेगी इसकी देखो चाइना में क्या है ना चाइना में एंटर और एग्जिट के टाइम पे पूरे आपके जर्नी में एक एजेंट होना चाहिए आपके साथ तो उसी की कॉस्ट दस से ग्यारह लाख रूपए सिर्फ एजेंट की एजेंसी फीस जिसमें इसका गाड़ी का नंबर प्लेट भी चेंज होगी चाइनीज में नंबर प्लेट मिलेगी मेरा लाइसेंस बनेगा चाइना में चाइनीज लैंग्वेज में तो उसका कॉस्ट है लाख प्लस हमारा रहना खाना तो आप समझ लो चाइना चाइना में ही पंद्रह से सोलह लाख का खर्चा है तीस दिन का पिछली बार से काफी एक्सपेंसिव ज्यादा जाएगा प्लस प्लस बताओ कितना तक भी जा सकता है भी जा सकता है हमारे लंडन ट्रिप में थर्टी एट के आसपास लगा था एटीन एटीन स्प्लेट हुआ था अब इस बार चालीस पैंतालीस अपना ही जेब से जाएगा पूरा कोई बात नहीं कवर हो जाएगा जिंदाबाद <laughs> तो <laughs> अरे अच्छा नहीं बढ़िया अच्छा आप मिलेगा आपको सपोर्ट <laughs> तो बड़ी हमारी तरफ से भी है लोगों की तरफ से भी है अच्छा यार ये आपने ड्राइविंग परमिट का कैसे अरेंज किया बहुत सारी कंट्रीज के थ्रू आपको जाना है तो कैसे तो इन कंट्रीज में ना बेसिकली जैसे हमारा पासपोर्ट होता है गाड़ी का पासपोर्ट होता है जिसका नाम है कारनेट तो जैसे हम किसी भी कंट्री में जाते हैं तो पासपोर्ट पे स्टैंप लगता है बॉर्डर पे तो ऐसे ही कारनेट पे भी स्टैंप लगता है कि ये गाड़ी इस डेट को एंटर हुई है इस बॉर्डर पे और इस डेट से निकली है एंट्री एग्जिट के लिए तो कारनेट सबसे पहले इसका बनवाना पड़ता है जो हमने लंडन ट्रिप में ऑलरेडी बनवाया था उसकी एक साल वैलिडिटी होती है तो वही चल रहा है हमारा बच गया उसका उसका अराउंड एक लाख अठारह हजार रुपए खर्चा आता है यार इतना पैसा बच गया और क्या चाहिए सही है पांच लाख रूपये सिक्योरिटी देनी पड़ती है क्योंकि कई लोग क्या इंडिया से गाड़ियां ले जाते हैं और वहीं पे भेज देते हैं तो इसलिए जो अथॉरिटी कारनेट इशू करती है वो पांच लाख रूपये आपसे

बटन से स्पीड बढ़ाता था ना तो क्रूज कंट्रोल बंद हो जाता था एकदम से okay. और वो क्रूज कंट्रोल वापस से चलता ही नहीं था जब तक हम गाड़ी को साइड में तो ये महिंद्रा से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा दूसरा हम जब गए थे उस टाइम तक इसमें कार प्ले आया था मतलब फोन में ऐसे मैप लगा के यहाँ पे लगाना पड़ता था अब वो भी अपडेट हो चुका है तो दिक्कत नहीं बाकी कोई दिक्कत नहीं परफॉर्मेंस वाइज कुछ भी कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आई हम जर्मनी में थे वहाँ के ऑटोबान में स्पीड लिमिट नहीं होती okay. तो वहाँ से हमारे साथ से फरारी लेम्बोर्गनी ऐसी ऐसी गाड़ियाँ निकल रही थी तो उसमें भी इसको कोई दिक्कत नहीं आई प्रॉपर 150 140 पचास एक चल रही थी आराम आई एम वेरी हैप्पी यार कि इंडियन ब्रांड इतना जा रहा है। वो बॉडी रोल नहीं है स्पेशली हाँ, स्कॉर्पियो के कंपैरिजन में अगर आप एन में देखोगे तो बॉडी रोल है, काफी है, बहुत है। देख लोगे जाके और मैं भी देखूंगी जेनविनली बता रही हूँ देखी थी आपने हाँ देखी थी यार मतलब ऑफ एंड ऑन थोड़ी थी अग्री करूंगी लेकिन मैंने फॉलो की थी सो आप जाके जरूर से विजिट करिएगा बाकी आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आज की वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना ढेर सारा शेयर करना मिलती है अगली वीडियो में बाय बाय